जय हिंद। चाइना से हुए खूनी झड़प के बाद पाकिस्तान अपनी ओर से सीज फायर का उल्लंघन करके घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, जिसे भारतीय फौज ने नाकाम कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए हैं और इस घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया है। चीन से हुए सीमा विवाद के कारण भारतीय रेलवे ने जो अपने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर था, भारत में दो ऐसी रेल नेटवर्क बनाया जा रहा है जहाँ केवल मालगाड़ियाँ चलेंगी। एक वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर है और एक ईस्टर्न डेडिकेटेड है। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर कानपुर से लेकर मुगल सराय, जिसका नाम दीनदयाल जंक्शन हो गया है, यहां तक के बीच का जो सिग्नलिंग का काम था इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए, वो चाइना को दिया गया था। चाइना इसमें लेट कर रहा था, तो बॉर्डर पे हुए हालिया टेंशन को ध्यान में रखते हुए इसके इस टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है। कहा गया कि अब चाइनीज कंपनी इस पे काम नहीं करेगी। चाइना से हो रहे विवाद को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने रूस से संपर्क साधा है। उसने कहा है कि उसे इमरजेंसी में 33 लड़ाकू जहाजों की जरूरत है, जिसमें MiG-29 के 21 पीस की जरूरत है और Su-30 MKI जो जहाज है उसके 12 पीस, यानी 21 और 12 33 जहाजों को इमरजेंसी में लाया जाएगा। यह सौदा काफी पुराना था, किंतु हालिया जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुए हैं उसको देखते हुए इसे जल्दी लाने के लिए बात कही गई है। अगर बात करिएगा MiG-29 की, तो इसकी स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक घंटा में 2000 किलोमीटर चला जाएगा और इसको लेह श्रीनगर में रखा गया, यह 10 मिनट में पहुंच जाएगा बॉर्डर पे और भारतीय सैनिकों को बैकअप के लिए। अब बात करेंगे सुखोई यानी Su-30 की, तो इसकी स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी स्पीड में लगभग दोनों बराबर है। बहुत ही घातक जहाज है दोनों। दोनों की स्पेसिफिकेशन को देखेंगे तो इसकी जो ऊंचाई है वो 6.5 मीटर है और जो लंबाई है वो 22 मीटर है, लेकिन इससे थोड़ा सा छोटा है MiG-21। इसकी जो ऊंचाई है 4.7 मीटर ऊंचा है और 17 मीटर यह लंबा है। दोनों ही एयरक्राफ्ट में कुछ समानताएं हैं। दोनों में जो इंजन दिया गया है, दो-दो इंजन दिया गया है। आप देखिए यहां पे ये दोनों इंजन दिए गए हैं। इसमें आप देखेंगे इस इंजन के पास एक पोर्शन निकला हुआ है, ये पूंछ की तरह। इसमें पैराशूट रखा जाता है, क्योंकि जब ये लैंड करते हैं तो इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि इनको पैराशूट नहीं खोलिएगा तो ये रनवे क्रॉस कर जाएंगे। जो दुश्मन के मिसाइल होते हैं वो इस इंजन की गर्मी को पहचान लेते हैं और इसी के पीछे आ जाते हैं और इस पर हमला कर देते हैं। इससे बचने के लिए इंजन के पास ही फ्लेयर्स दिए गए हैं, ताकि ये फ्लेयर्स आग के रूप में निकले और दुश्मन की मिसाइलों को भटका दे। दोनों ही एयरक्राफ्ट में डबल पायलट के बैठने के लिए सीट दी गई है। डबल पायलट के रखने से क्या फायदा होता है, देखिए, जब कॉकपिट में दो दो पायलट रहते हैं तो एक पायलट ये अपने अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसे मेन पायलट है तो इसको पता है कि हमको किधर ले जाना है, तो मेन पायलट जहाज को कंट्रोल करता है और ग्राउंड अटैक को देखता है कि जमीन पर कौन कौन से हमले करने हैं, जबकि सेकंड पायलट हवा में होने वाले जो थ्रेट होते हैं, जो डिफेंस होते हैं, या हवा में होने वाले हमले को देख लेते हैं। इस तरह से इनका काम बड़ी अच्छा हो जाता है और मनूवर अच्छे से कर लेते हैं। किसी भी लड़ाकू जहाज में उसका रेंज काफी मायने रखता है, मतलब एक बार उसमें फ्यूल भर दिए तो कितनी दूरी जा सकता है। तो सुखोई की बात करेंगे तो ये 3000 किलोमीटर जा सकता है, यानी एक घंटे में यह भारत के इस पार से उस पार जा सकता है। और ये मिग जो है MiG-29, इसका जो रेंज है ये 1500 किलोमीटर है। लेकिन इन दोनों में एक खासियत है, इसमें जो ड्रॉप फ्यूल टैंक दिए गए हैं ना, देखिए जो ड्रॉप फ्यूल टैंक होते हैं, ये फ्यूल टैंक है, इसमें आप 3 ड्रॉप फ्यूल टैंक देख रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये मिसाइल है, ये मिसाइल नहीं है, ये ड्रॉप टैंक होते हैं। इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल रखा जाता है और मेन टैंक अंदर होता है। जब जहाज एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक को लेकर जाता है तो इन्हीं के फ्यूल से उड़ रहा होता है, लेकिन जब देखता है दुश्मन हमको दौड़ाने लगा तो इनको गिरा देता है और अपने मेन फ्यूल जो अंदर रखा हुआ है उससे उड़ने लगता है। अगर हम इनमें 3-3 फ्यूल टैंक को जोड़ देते हैं ना, तो ये 8 घंटा उड़ान भर सकते हैं। अब सोचिए इनकी स्पीड होती है एक घंटे में 2000 किलोमीटर, 8 घंटे में ये कितनी जाएंगे, 16000 किलोमीटर, पूरा पृथ्वी को नाप देगा सभी सब। इतने खतरनाक जहाज को ऑर्डर दिया गया है चाइना को मद्देनजर रखते हुए। ये दोनों ही जहाज काफी नीचे से उड़ान भरने में सक्षम है। नीचे से उड़ान भरने के कारण ये दुश्मन के रडार में पकड़ने से भी नहीं आते हैं। ये जहाज वर्टिकल टेक ऑफ कर सकते हैं, यानी उड़ान भर के सीधे ऐसे उड़ सकते हैं और एक 360 डिग्री पे ऐसे राउंड लगाकर उल्टा ये घूम सकते हैं। इनका मनुवर क्षमता इतना डेंजरस होता है। इन जहाजों में 30 mm की बंदूक की एक गोली लगी है, कैनन। आप कहिएगा कि जहाज ये भड़क गया, जहाज नहीं भड़का, वहां से वो गोली मार रहा है। यहां देखिए ये, तो इसका जो कैनन दिया गया है ये इस जहाज के लेफ्ट साइड में दिया गया है, ताकि ये दुश्मन के जहाज, हेलीकॉप्टर या फिर दुश्मन की बहुत बड़ी फौज, पैदल फौज अगर नीचे है तो उस पर ये क्या कर सके, गोली मार सके। इस जहाज में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को जोड़ दिया गया, इससे ये दुनिया की पहली ऐसी जहाज हो गई है जो ब्रह्मोस जैसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को ले जा सकती है। ये मिसाइल जो होता है, जब इसको आप ड्रॉप करिएगा तो ये यहीं से उड़ना नहीं चालू करता है, ये पहले नीचे आ जाता है ताकि दुश्मन का रडार ना पकड़ सके, उसके बाद इसका इंजन चालू होता है, तब ये जाकर दुश्मन पर हमला करता है। भारत ने इन जहाजों में अस्त्र मिसाइल को जोड़ दिया है। अस्त्र मिसाइल की खासियत क्या होती है, अस्त्र
अस्त्र मिसाइल जो होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज है, जहां तक हमको दिखता है ना उससे भी आगे मार सकता है। सोचिए आसमान में हमको बहुत दूर तक दिखाई देता है, ये उससे भी आगे मार सकता है रडार पकड़ के, और इसमें धुआं नहीं देता है। ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये इसके हीट निकला हुआ है, धुआं नहीं है। धुआं ना देने की वजह से ये पकड़ में भी नहीं आता है और दुश्मन को जाके हीट कर सकता है। तो ये भारत के दो खतरनाक लड़ाकू जहाज थे, लेकिन हमको और आपको क्या दिखाया जाता है कि भारत के पास MiG-21 जैसे पुराने जहाज है। MiG-21 बाइसन क्या कर सकता है? अरे भैया इसकी संख्या मानते हैं MiG-21 भारत में है, लेकिन इसकी संख्या है कितनी है? केवल 60 है। लेकिन क्यों नहीं आप राफेल को दिखाते हैं, जगुआर को दिखाते हैं, इसी को क्यों दिखाते हैं? इसको दिखाने से हमारी सेना का, हमारी जनता का मनोबल गिरता है। चाइना नहीं दिखाता है अपने MiG-21 को। अभी हम चाइना की हकीकत बताते हैं, वो कितना MiG-21 को रखा हुआ है। हमारे पास 110 जगुआर जहाज है। जगुआर जहाज अभी दुनिया में मात्र एक जहाज है जो परमाणु बम गिरा सकता है, और कोई जहाज वर्तमान समय में परमाणु बम गिराने की क्षमता को नहीं रख सकता। इसकी संख्या 110 है, लेकिन इसको नहीं दिखाया जाएगा। हमारे पास 49 की संख्या में मिराज जहाज है। ये मिराज जहाज पहाड़ी पर लड़ने के लिए एकदम सक्षम होते हैं। 1999 के कारगिल की लड़ाई में यह मिराज जहाज पाकिस्तान का बलात्कार करके चलाया था, लेकिन इसको नहीं दिखाएंगे लोग। हमने हाल में MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए अपना इंडिजीनियस यानी हिंदुस्तान में बना हुआ तेजस जहाज को इंट्रोड्यूस किए हैं। इसकी संख्या 18 है। यह काफी लाइट वेटेड जहाज है और दुनिया में सबसे छोटा जहाज होने की वजह से इसका रडार पर फिगर बहुत कम आता है और दुश्मन को चकमा देके चला जाता है। इसकी डिजाइनिंग इस तरह से की गई है कि इसके कुछ पार्ट पुर्जे मिसाइल हमले से उड़ भी जाए तो भी ये आराम से लैंडिंग कर सकता है। इसकी नौसेना वर्जन भी बनाया जा चुका है। हाल ही में इसने नौसेना के जहाजों पर अरेस्टेड लैंडिंग किया था। अरेस्टेड लैंडिंग मतलब होता है जब एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतरा जाता है तो रस्सी फंसा लिया जाता है पीछे, उसे कहते हैं अरेस्टेड लैंडिंग। फ्रांस से 36 राफेल जहाज को लाया जा रहा है, या मीडियम मल्टी रोल जहाज है। मल्टी रोल का मतलब होता है जहाज जमीन पर भी हमला करेगा, हवा से हवा में भी मारेगा, हर तरह का काम कर देगा, जासूसी का भी काम कर सकता है, रडार से भी बच सकता है। मल्टी रोल, कई सारे इसके रोल है, लेकिन इसको नहीं दिखाया जाता है। हम लोग को क्या दिखाया जाता है? MiG-21 देखो कमजोर बनो। हमारे पास 60 की संख्या में MiG-29 लड़ाकू जहाज है। MiG-29 से अमेरिका की नाटो फौज भी भाग जाती थी, क्योंकि जब उनके पास F-16 F-22 जैसे विमान नहीं थे तो उनको इनसे डर लगता था। ये हमारे पास है, इनकी संख्या 60 है, लेकिन ये नहीं दिखाया जाएगा। हमारे पास सबसे ज्यादा जो संख्या में है वो 272 की संख्या में Sukhoi-30 जहाज है। इसका तगड़ा मुकाबला लेने वाला कोई नहीं है। चाइना भी इसी को यूज करता है, लेकिन नाम बदल के यूज करता है तो आपको डर लगने लगता है। चाइना के पास भी इन्हीं सब विमान है, वो भी रशिया से ही खरीदा है, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना ज्यादा है कि वो अपने लोगों को, अपनी सेना को मनोबल बढ़ा के रखा है कि हम लोग जीत सकते हैं, और हम लोग को डरा के रखा जाता है। चाइना भी पैसा खर्चा करता है मीडिया पे ताकि आपका ब्रेन वॉश हो सके, आपके अंदर ये डर बैठ जाए कि हम चाइना से नहीं लड़ सकते। हमारे पास जो है ना 60 MiG-21 है, और चाइना के पास भी MiG-21 है, लेकिन चाइना जो है उस MiG-21 का नाम J-7 रखा है। चाइना के 3210 जहाजों में ना 2000 तो केवल J-7 है, और ये J-7 कोई जहाज और नहीं, यही है MiG-21। अब बताइए किसकी सेना ज्यादा पावरफुल? ससुरा तो 2000 रखे हुए हैं MiG-21 जिसका नाम J-7 रखा है। हम लोग को लगता है कि J-7 बहुत खतरनाक है। अरे घंटा खतरनाक है, नाम बदल दिया है वहां पे। हम लोग को भी सीखना चाहिए। अरे हम पाकिस्तान से 10 गुना खतरनाक है, आए दिन ससुरा पाकिस्तान हम लोग पर हमला कर देता है। हम लोग को भी इसी तरह से चाइना को ठोकना चाहिए। कोई कुछ नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा क्या चीज होता है? मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। देखिए जो लोग कह रहे हैं ना चाइनीज सामानों का बाइकॉट करो, चाइनीज सामान को मत खरीदो, अरे भाई हमारी मजबूरी भी है। हम तो सोचते हैं चाइनीज सामानों को बाइकॉट करने से भी खतरनाक काम करना चाहिए। समझिए कैसे। देखिए चाइना जो है ना मैन्युफैक्चरिंग हब है, पूरी दुनिया वहीं सामान बनाती है, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, उसके यहाँ लेबर सस्ते हैं, एकदम टाइम पे आ जाते हैं, कोई लेबर का सुनता नहीं है, हर चीज है, जिस वजह से उसका सामान सस्ता पड़ता है, और वो मास प्रोडक्शन करता है, थोड़ा सा नहीं बनाता है, एक ही बार 1 करोड़ बना देगा। अब आप इतनी सा सब्जी बनाइए या इतना बनाइए, जानते हैं ज़्यादा बनाने में खर्च कम आता है, इसलिए चाइना का प्रोडक्ट बहुत सस्ता होता है। ये जो टेम्पर ग्लास हम लोग मोबाइल पर लगाते हैं ना, चाइना पे 3 रुपया में पड़ता है, 31% टैक्स जोड़कर और जो पूरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा जोड़कर हमको वो जो टेम्पर ग्लास पड़ता है 4.5 रुपया में पड़ता है। 45 रुपया नहीं दिखा है, 4.5 रुपया में टेम्पर ग्लास पड़ता है, जिसको आप लोग दिल्ली मुंबई में 10 रुपया से 40 रुपया में लगवाते हैं। अब बताइए
अरे इतना सस्ता है तो हम कैसे रोक सकते हैं उसको। आप जो फास्ट चार्जर कहते हैं ना, 3 एम्पियर 5 एम्पियर का धड़ाक से चार्ज कर देता है, 45 रुपया है। हालांकि इसका रेट जो आता है वो 30 रुपये ही है, इसको टैक्स वगैरह जोड़ के 45 रुपये आता है। एयरफोन जो होता है वो 50 रुपये में आता है। 16 GB का मेमोरी कार्ड चाइना में 20 रुपये के आते हैं सर। इतने सस्ते सामान होते हैं, इसलिए मजबूरी बन जाती है लोगों का खरीदना, क्योंकि ये बहुत ही, हम लोग के यहाँ आधे से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो हम लोग की मजबूरी भी है। लेकिन ये सारे सामान चाइना के अलावे ताइवान में भी सेम रेट में मिलते हैं, वियतनाम में भी सेम रेट में मिलते हैं सब। तो हम लोग क्यों ना फिलहाल सब्स्टिट्यूट के रूप में हम लोग ताइवान से खरीदें, ताइवान से, वियतनाम से। ये दोनों चाइना के दुश्मन हैं, इससे हमारा दो फायदा होगा, चाइना से हमको आयात में भी घट जाएगा और हमको सेम रेट पे सामान चाइना के दुश्मनों से मिलेगा। ये शक्तिशाली होंगे, हमारे लिए अच्छा है। खिलौनों के मामले में चाइना पूरी दुनिया में जाइंट है। चाइना में 8 रुपये से खिलौने चालू हो जाते हैं, 8 रुपये में। पूरी दुनिया में जो सोलर पैनल दिया जा रहा है ना, वो चाइना से आता है। हिंदुस्तान में 70% सोलर पैनल चाइना से आयात हो रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं बनते। जबकि भारत का शक्ति स्थला दक्षिण भारत में दुनिया भर का केरल और गुजरात में जो पावर प्लांट लग रहा है सोलर प्लांट से, वो चाइना से आयात हो रहा है। हमारे जो लौह पुरुष थे स्टैचू ऑफ यूनिटी, उनके लिए भी जो स्ट्रक्चर बना था वो चाइना से ही बना था। इतना ज़्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, इतनी आराम से नहीं हटेगा, उसको हम लोग को बढ़िया से घेरना पड़ेगा, माइंड गेम से मारना पड़ेगा, समझिए कैसे। देखिए कंप्यूटर और मोबाइल की दुनिया में चाइना जो है एकदम कब्जा करके बैठा है। चाइना में जो है वो कंप्यूटर मोबाइल बहुत ही बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। ये जो कैमरा होता है ना शादी ब्याह में रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, उसका भी चाइना बहुत बड़ा हब है। सीसीटीवी कैमरा का चाइना बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है। चाइना के पास हर तरह के सीसीटीवी कैमरे होते हैं। जनरली दो टाइप का हम लोग यूज करते हैं, गोल वाले को कहते हैं डोम कैमरा, ये चौड़ाई में देखता है और वाटरप्रूफ नहीं होता इसलिए इसे घर के अंदर लगाया जाता है। और ये जो लंबा वाला होता है इसे कहते हैं बुलेट कैमरा, ये लंबी दूरी को देखता है और वाटरप्रूफ होता है इसलिए इसे बाहर भी लगाया जा सकता है, इसलिए इसे इंडोर इसे आउटडोर कहते हैं। इस तरह के सीसीटीवी कैमरे के लिए चाइना बहुत बड़ा उत्पादक है। चाइना के आप किस किस सामान का बाइकॉट करने को कह रहे हैं? आपको पता है जो पीवीसी टेप चिपकाया जाता है ना तार वगैरह को चिपकाने के लिए, चाइना से आता है। छोटे बच्चे जो कंचा गोली खेलते हैं ना, वो चाइना से आता है। चाइना अपने कस्टमर्स का बहुत ही ख्याल रखता है, लेकिन इंडिया वाले क्या करते हैं, कस्टमर का ख्याल नहीं रखते, अपना मुनाफा कैसे होगा। अब सोचिए छोटा बच्चा गोली खेलने जाता है, सोचता है गोली बड़ा रंग बिरंगा हो, एक साइज का हो, एकदम बिल्कुल गोल हो। हिंदुस्तान का गोली देखिए टेंट ऐसे रहता है, इंडिया का लड़का लेता ही नहीं, कहता चाइनीज गोली दो, एकदम रंग बिरंगा दे दिया। उसने कस्टमर्स की नीड को पहचाना, इन्हें हर चीज चाहिए, खूबसूरत से खूबसूरत लेकिन सस्ते चीज में चाहिए, चाइना इस चीज को दे देता है। जो आप ये जो टाई देखते हैं, तार जो होता है ना, इसको टाई बोलते हैं लोग, तार 4-5 तार गया रहता है एक पास, तो इसी में फंसा के हम लोग टाई से और इसमें कस देते हैं, ये दोबारा खुलेगा नहीं, फिर काटना पड़ता है। हम लोग रस्सी बांधते हैं ना तो इसको टाई लगाना पड़ता है। आप जो टाई खरीदते हैं वो चाइनीज रहते हैं, आप जो ये क्लिप हुक खरीदते हैं वो चाइनीज आ गए हैं, सब तार और ठोकने के लिए चाइनीज कांटियां आ गई हैं। किस चीज का बहिष्कार कीजिएगा आप लोग? जो हम लोग मेहंदी लगाते हैं ना, महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, अपने यहाँ कहा जाता था जिसकी सास बहुत मानेगी उसी का मेहंदी लाल होगा, ससुरा चाइनीज मेहंदी आ गया है, जिसकी सास मर भी गई है उसका भी एकदम खतरनाक लाल कर देता है। और लड़कियां इसी को प्रीफर करती हैं, सुबह शादी में जाना है तो रात में लगाओ एकदम चटकार लाल कर देता है, और 2 दिन बाद ऐसा उजड़ता है जिसे लगता है कोड फूट गया। लेकिन ये लोगों के तत्काल जरूरत को पूरा कर देता है, किस किस चीज को रोकेंगे? महिलाओं का जो कॉस्मेटिक आइटम है उस पर चाइना का कब्जा होते जा रहा है। लिपस्टिक को जो ठोड़ रंगने वाला होता है उससे लेके कॉस्मेटिक, एक से एक क्रीम पाउडर आ गया है ना कि आप चेहरा पे रंगिएगा तुरंत गोरा कर देते। एक चाइनीज कॉस्मेटिक के सामान आ गए हैं, काजल से लेके नेल पॉलिश से लेके किस किस चीज को रोकिएगा, पूरी तरह चाइना भरते जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, एक महिला को हर तरह का चाहिए, लिपस्टिक उसका, नेल पॉलिश चाहिए उसको, हर तरह का, जिस रंग का कपड़ा रहना चाहिए उसी रंग का ही। अब इंडिया का लेगी तो महंगा पड़ेगा, तो जितना में इंडिया का एक रंग का लेगी उतना में चाइना वाला इतना सस्ता देता है कि 3 रंग का रख लेगी, तो उसकी भी तो मजबूरी है। आप देखिए चाइना हमेशा अपने कस्टमर्स के बारे में सोचता है। हम लोग को चाइना के सामान को रोकने के लिए एक भावनात्मक डर भी बनाना पड़ेगा। भारत में देखिए ना, मुनोचुआ का हल्ला उड़ गया था, चोटी काटने वाला बाल काटने वाला था। इसी तरह मीडिया को पैसा वैसा खिला के सरकार को ना एक हल्ला उड़ा देना चाहिए कि चाइनीज मेहंदी लगाने से ना हाथ में कैंसर हो जा रहा है, जो महिला ठोड़ रंग ले रही है चाइनीज लिपस्टिक से उसको धोधड़ हो जा रहा है इसे, ऐसे टाइप का एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दो, फाल्स न्यूज चला दो। हमारे यहाँ तो फाल्स न्यूज दुनिया भर का चलता है कि 2000 के नोट में चिप था, उस चिप से हम पता कर सकते हैं कहाँ 2000 का नोट छुपा है, कहाँ घंटा चिप था उसमें। चाइना अपने कस्टमर्स
का बहुत ख्याल रखता है। देखिए हमारे यहाँ बनारसी साड़ी पूरी दुनिया में फेमस है। बनारसी साड़ी देखिए ये बहन जी पहनी है, कितना बढ़िया लग रहा है। लेकिन भारत ने अपनी बनारसी साड़ी एक सूडान नाम के देश को निर्यात किया, वहाँ से रिजेक्ट हो गए सब, भारतीय साड़ी बर्बाद हो गए। लेकिन वहीं पर चाइनीज साड़ियाँ चल गई, क्योंकि सूडान की जो महिलाएँ होती हैं इस तरह से होती हैं। अब ये वाला साड़ी उनको पहना दीजिएगा तो लगेगा समियाना ओढ़ ले भाई, उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना, उनकी हाइट 6 फीट होती है, हमारे यहाँ 5.5 फीट की लड़कियाँ होती हैं सब, तो साड़ियाँ को थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा ना, नहीं तो यही वाला पहना देंगे उन लोगों को तो स्कर्ट की तरह लगने लगेगा, रिजेक्ट हो गया। हम लोग कस्टमर्स का ध्यान नहीं रखते हैं, चाइना बहुत ही ध्यान रखता है। वो कोई भी चीज़ बेचने से पहले अपने टॉप ग्रेड के अधिकारियों को भेजता है अब पता करने के लिए कि पता करो वहाँ कस्टमर की डिमांड कितनी है, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। आप देखेंगे भारतीय टॉर्च इस तरह के थे, सजुरा में महीना में 50 रुपया के सेले लग जाता था, चलाइए तो फिर ढीला हो जाता था, चलते चलते बूझ जाएगा। एक बार हमारे यहाँ सांप निकला था, खोज रहे थे तो बूझ गया। यहाँ पे चाइना आया तो देखा लोगों की सोच कैसी है, तो चार्जिंग वाला टॉर्च लगा दिया, अलग से चार्जर नहीं उसी में एक तो दे दिया कि भैया पीछे से चार्ज कर दो, आगे से फोक्स मारने वाला लगा दिया, खड़ा कर दीजिए तो इधर से चौड़ा रोशनी मारेगा, कस्टमर के हर एक डिमांड को पूरा कर दिया। वो अलग बात है कि अभी मोबाइल का फ्लैश लाइट इतना ना आ गया है कि अब टॉर्च धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। मेरा कहना है कि कितनी चीज को जोड़िएगा, बहुत से ऐसे चीज तो आप जानते नहीं है जिसको यूज करते हैं कि वो चाइनीज है। आप 2-4 चीज जानते हैं, एक तो मोबाइल टीवी ये सब चीज जान गए कि चाइनीज है, भगाओ इनको, इनको भगा देने से चाइना भाग जाएगा, नहीं, हमको ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। भारत सरकार चाइनीज सामानों पर 31% टैक्स लगाती है। अब WTO थोड़ा दबाव बनाता है सरकार के ऊपर कि आप दूसरे के सामानों को आयात करने से नहीं रोक सकते हैं, आपकी पब्लिक रोक दे तो अलग बात है, तो इसमें हमारा काम है कि हम उसे रोके, लेकिन हमारी मजबूरी भी तो है, हमको उतना सस्ता सामान चाहिए। बहुत से लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो गरीब लोग हैं वो मजबूरी में चाइना का इस्तेमाल करेंगे, उनको तो इतना नहीं पता है कि मेड इन चाइना मेड इन इंडिया कहां लिखा है, पढ़ने भी नहीं आता है। तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि चाइनीज सामानों का जितना सब्स्टिट्यूट वियतनाम के पास है, ताइवान के पास है, उससे आयात करना चाहिए और उन पर टैक्स को महज 5% कर देना चाहिए, जिससे कि उनके सामान सस्ते लगने लगेंगे, चाइनीज सामान महंगा लगने लगेगा। इसके टैक्स को 31 से बढ़ा के 41 कर देना चाहिए ताकि इसके सामान और महंगे हो जाए। जो बंदरगाह हैं जहां से विदेशी सामान आते हैं, वहां अपने अधिकारियों को गुप्त रूप से ट्रेनिंग दे देना चाहिए कि चाइनीज सामानों को ना इतना ना टॉर्चर कर देना, उसको जो उड़ीसा का सामान रहेगा तो जम्मू कश्मीर भेज देना, आसाम का रहेगा ससुरा को लुधियाना भेज देना, इतना टॉर्चर कर देना, इंडिया को कह दे कि भाई हमारे यहाँ यही सिस्टम है, ताकि उसको लेट किया जा सके। चाइना यही करता है अपने देश में, दूसरे देश की कंपनियों को घुसने नहीं देता है। और वियतनाम जो ताइवान से कंपनियां हैं उनको सहूलियत दीजिए, धीरे धीरे इंडिया के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं होलसेलर वो कहेंगे यार चाइनीज सामान छोड़ो यार, उन सबको ले आने में बड़ी माथापच्ची हो जाता है, उससे अच्छा ताइवान से लो जब सेम रेट में मिल रहा है, वियतनाम से लो सेम रेट में मिल रहा है। चाइना तंग आ जाएगा, फिर चाइना आप पे दबाव बनाएगा, तो चाइना से कहना पड़ेगा भैया साफ दिखे कि भैया आप हमारे देश में बेचिए, नो डाउट बेचिए, हम आपको 31% के जगह 25% टैक्स लेंगे, 20% टैक्स लेंगे, लेकिन आप भारत में कारखाना खोलिए। भारत में कारखाना खोलेगा तो भारत को बहुत फायदा, जमीन भारत से खरीदेगा, यहीं से ईंटा उटा खरीद के बिल्डिंग बनाएगा, यहां जब उत्पादन करेगा तो भारत की GDP बढ़ेगी, यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या अपने यहां से मजदूर को थोड़ी लाएगा, ले आ दिया तो और फायदा। क्यों? क्योंकि जब आप देखिए पटना में लड़के पढ़ने जाते हैं, दिल्ली में पढ़ने जाते हैं, तो बाहर से जैसे लड़के आते हैं ना, तो वहां का मकान मालिक राजा हो जाता है कमा के, वहां दुकानदार सबको फायदा हो जाता है, तो और अच्छा है ससुरा चाइना से लोग आओ यहां पर, यहीं के सामान खरीदोगे, यहीं पे घूमो फिरोगे, और फायदा हो जाएगा, तो रोजगार वो यहीं से देगा, तो हमको और फायदा हो गया कि रोजगार मिल गया। और रोजगार जब मिलेगा तो हिंदुस्तान के लोग काम करने जाएंगे तो उसकी टेक्नोलॉजी सीख लेंगे। हमारे यहाँ देखते हैं कोई हीरो होंडा की कंपनी में गैरेज में काम कर रहा था, 2 साल काम करके छोड़ा, अपना गैरेज खोल दिया, बहुत अच्छा है, चाइनीज कंपनी में काम किया, 2 साल काम करने वो अपना कंपनी खोल दिया। धीरे धीरे ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, चाइना ऐसे ही चुरा के लाया अमेरिका से, इससे भारत के युवाओं में एक स्किल डेवलपमेंट होगा और ये भारत की सबसे बड़ी कमी है। मान के चलिए कि किसी लड़के को वेल्डिंग सीखना है तो ITI में जाएगा, नहीं तो किसी वेल्डर के पीछे हेल्पर बनेगा। कोई ऐसी संस्था है जो केवल डेडिकेटेड हो वेल्डिंग सिखाने के लिए कि हाँ भैया आइए 1 महीना में हम आपको सिखा देंगे, आपको वेल्डिंग का सर्टिफिकेट देंगे, नहीं, उसके लिए 75 गो नियम कानून है। चाइना में ऐसा नहीं है, आपको जिस चीज का स्पेशलिस्ट बनना है आप वहां जाइए, लेकिन भारत में अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है तो या तो कॉलेज में जाइए, अगर अनपढ़ है मजदूर टाइप के हैं तो किसी के पीछे हेल्पर लगिए 2 साल तक और धीरे धीरे सीखिए। लेकिन चाइना ने क्या किया, एकदम स्किल्ड कर दिया। किसी को पेंटिंग सीखना है उसका एक तो कॉलेज है भैया, इसमें आइए 1 महीना में पेंटिंग सिखा के भेज देगा, सर्टिफिकेट केवल पेंटिंग का। हमारे यहाँ ITI IIT BE BTech MTech लैब सोचा मार डालेगा उसको पढ़ा पढ़ा के। जो चाइनीज ऐप है जैसे TikTok है, VMAT है, WeChat है, बहुत ज्यादा 52 से ज्यादा ऐसे ऐप है जिसको सरकार ने बैन किया है, उस पर निगरानी रखने के लिए कहा है, अभी बैन नहीं किया है।
ये अपना डाटा जो है ना उसको स्टोर करते थे चाइना में। जैसे मान लीजिए आप शादी में गए, कोई रिकॉर्डिंग किए, तो वो रिकॉर्डिंग कहाँ आता है? आपके मेमोरी में। हम ये यूट्यूब पे वीडियो बना रहे, ये ना आपके मेमोरी में ना मेरे मेमोरी में, ये कहाँ गया? तो ये यूट्यूब के सर्वर में गया। तो भारत सरकार को भी चाइना के जितने भी ऐप है कहना चाहिए कि भैया तुम ऐप आओ, क्योंकि तुम तो है प्ले स्टोर पे, हमारे पे तो हो नहीं, आओ, लेकिन तुम जितना डाटा यूज करोगे ना उसको भारत में रखना पड़ेगा। अब वो भारत में रखेगा तो उससे भारत में भी रोजगार बढ़ेगा और हमारे डाटा भी लीक नहीं हो सकते हैं। और धीरे धीरे उसको दबाव बना के धीरे धीरे पब्लिक ही छोड़ सकती है, क्योंकि WTO के नियम के हिसाब से गवर्नमेंट किसी पे जबरदस्ती बैन नहीं लगाएगी। चाइना के सामानों को बाइकॉट नहीं कराना है, उन ससुरों को मंगाना है और यहीं बनवाना है, ऐसा दबाव बनाना है कि अगर नहीं बनाएगा यहाँ पे ना, डायरेक्ट मंगाएगा ससुरा पे 40% टैक्स, और वियतनाम और ताइवान के सामानों को प्रीफर करेंगे, और बनाएगा तो भैया 20% टैक्स। बनाओगे तो तुम हमेशा के लिए मरोगे, आप भेजोगे तो डिस्टर्ब होकर मरोगे, मतलब चाइना ना तुमको कह के लेंगे। चाइना में क्या होता है ना, वहां अधिकारी बने हैं, जैसे जिला की जिम्मेदारी DM की होती है ना, चाइना में क्या होता है, हर जिला में ना एक उद्योग वाला अधिकारी होता है, उसकी जिम्मेदारी है कि इस साल तुमको इतनी कंपनियों को यहां खुलवा देना है, इतनी कंपनियों को सुधार ला देना है, उसकी जिम्मेदारी है। और हमारे यहां किसी भी अधिकारी को कोई जिम्मेदारी नहीं, उसको डर और जरूरत है ही नहीं है। डर और जरूरत का होना जरूरी है, सरकारी नौकरी में हो गया डर खत्म, नौकरी जाएगा नहीं, जरूरत खत्म, एक तारीख को तनख्वाह आइए जाएगा। हमारे यहां इसे चौपट कर दिया सब, हमारे यहाँ के अधिकारी सबको। आप जाइए ना भारत में, अपना आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाई ना, एक आदमी मर गया उस ससुरा का सर्टिफिकेट बनाने में 1 महीना लगा देगा सब। तो विदेशी कंपनियों को टॉर्चर करके रख देता है सब, इसलिए भारत में आने से पहले कंपनियां डरती हैं, जबकि जानती हैं कि हमारा माल भारत में इतना खप जाएगा कि हम कमा के लाल हो जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ के अधिकारी उनको ऐसा रगड़ देते हैं कि बेचारे भाग जाते हैं यहाँ पे। तो भारत सरकार को भी ना अपने सुझाव में उनके सलाहकारों को एकदम ट्रेनिंग देना है, एक अधिकारी बैठा के भेजना है दिल्ली में, मुंबई में, जहां भी इंडस्ट्रियल हब कि हमको हर साल यहां 200 फैक्ट्री बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो ससुरा गोली मार देंगे तो राम यहां पे। डर बिना प्रीत कहां। भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय पे एकदम कड़ा डिसीजन लेना चाहिए, लिस्ट बनाइए उन चीजों का जो चाइना ज्यादा प्रोडक्ट करता है, जिसका पब्लिक ज्यादा यूज करती है, और उन सारे चीजों का कारखाना 1 साल के अंदर अंदर खुल जाना चाहिए, नहीं तो नौकरी से भगा देंगे। हमारे अधिकारी ये सोचने का तोन निकल गया, इतना कोई मतलब नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं, सरकारी नौकरी लग गया लग गया। देखिए चाइना को इतना टॉर्चर करना है कि उसको फैक्ट्री मजबूरन भारत में खोलना पड़े, और जब भारत में फैक्ट्री खोल देगा ना तो हम लोग हो जाएंगे मकान मालिक और चाइना हो जाएगा किराएदार। अब कोई भी किराएदार मकान मालिक से ऐंठ के नहीं बोलता है, जानता है कि हमारा सब फैक्ट्रिया वहीं पे है, ससुरा रोक देगा तब। कोई भी देश चाइना से ऐंठ के क्यों नहीं बोलता है, क्योंकि जानता है ससुरा वहां पे हमारी कंपनी फंसी हुई है। अमेरिका भी शांत रहता है, उसकी करोड़ों करोड़ों की कंपनियां का वहां पे इन्वेस्टमेंट है। तो भारत सरकार को इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए, इससे FDI भी बढ़ेगी भारत सरकार की, इससे चाइना पर बहुत बड़ा प्रेशर आएगा, क्योंकि उसकी कंपनियां उस पर प्रेशर लगाएंगी, भैया मेरा वहां पे सब फैक्ट्री फंसी हुई है। और हम लोग को यह नहीं कहना पड़ेगा कि बाइकॉट चाइना, बाइकॉट चाइना, भैया भारत में ना बन रहा है, यहां पे एक नंबर का काम हो रहा है, अब यहीं से बना के तुम बगल में बेचो, पाकिस्तान बेचो, श्रीलंका को बेचो, किसी को भी बेचो, लेकिन हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ, हमारे यहां बेचना है तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो भाड़ में जाओ ससुरा। हमारे यहां दिक्कत क्या होता है, एक टुटपुजवा नेता चल जाता है ना, उसके पीछे 50 को पुलिस वाला जाएंगे, नेताजी जा रहे हैं, नेताजी जा रहे हैं। और हमारे यहां वैज्ञानिक सबको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता। हम एक बार दिल्ली से पटना आ रहे थे, हमारे बगल में एक आदमी बैठे हुए थे, ऐसे परिचय हुआ तो बताया कि हम DRDO में है। अब बताइए DRDO का साइंटिस्ट एक साधारण जहाज से जा रहा था, बताइए उसके लिए ये सम्मान की बात है? अरे भाई नेताओं को जो मिलते हैं ना, हमारे जो इसरो चीफ हैं, ये सड़क पे ऐसे जाएंगे, यहाँ पे इनको 2 पुलिस दे देता है, अरे इनको भी ब्लैक कमांडो मिलना चाहिए। जब भारत का साइंटिस्ट कहीं जाए ना सड़क पर, तो उसको चारों ओर से पुलिस हटा दे, सबको हटो हटो, कौन जा रहा है भाई साइंटिस्ट। तो लोगों को भी दिल में देख के एक हौसला बढ़ेगा कि नहीं, हमारा देश साइंटिस्ट के साथ खड़ा है, आने वाली पीढ़ियां भी उनसे प्रेरणा लेगी और पढ़ाई में जी जान लगा के पढ़ेंगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, पढ़ने पर जानते हैं कोई क्या बनता है, पढ़ के क्यों राजा भइल बा? अरे आप पढ़े लिखे लोगों को राजा की तरह सम्मान दीजिए, नहीं तो ये देश एक दिन खोखला हो जाएगा। नेताओं से ज्यादा सम्मान भारत के इन साइंटिस्टों का होना चाहिए, ये भारत के असली कर्णधार है, इनके बदौलत अगर हम रहेंगे, इनका सम्मान करेंगे, तो एक दिन सच में ये भारत को सोने की चिड़िया बना देंगे। आपने कभी सोचा कि भारत के बड़े बड़े IIT इंजीनियर क्यों भारत छोड़ के चले गए? क्योंकि उनको वहां बेहतर प्लेसमेंट मिलता है, बेहतर जॉब मिलता है। हमारे यहाँ क्या मिलता है, इन लोग को नेताओं के दल्ला बना के रख देते हैं लोग, कभी कोई टेंडर में इनको फंसा देगा, कहीं भी किसी न किसी चीज में फंसा देगा अगर इन नेताओं की बात नहीं सुनेंगे तो। आपको पता RBI के गवर्नर रघुराम राजन जी इतने बेहतरीन इंसान, RBI की जब ये रिटायरमेंट हुए तो ये अमेरिका में जाके प्रोफेसर हुए, सोचिए इनसे पढ़ा हुआ लड़का कितना आगे जाएगा। हम अपने देश को धीरे धीरे खोखला करते जा रहे हैं, ये एक तत्काल रिजल्ट होता है कि चाइनीज के सामानों को बाइकआउट कर दो, ये बहुत लंबा पीरियड तक ये नहीं चलेगा। आपको एक बहुत सोची समझी रणनीति बनानी पड़ेगी, चाइना को माइंड गेम से मारना पड़ेगा। इस तरह से मारिए चाइना को जिस तरह से उसने पूरी दुनिया को मारा वहां पर, हमारे देश में
बनाना है, एक ही शर्त रहेगा, हिंदुस्तान में सामान को बेचना है तो 40% टैक्स दो, नहीं तो यहाँ 20% टैक्स दो, यहाँ उत्पादन करो, नहीं तो तुम सपना छोड़ दो कि भारत का व्यापार तुम्हारे लिए है। इसके बाद बायकॉट कीजिए अगर चाइना इस पर रेडी नहीं होता है तब। आगे आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताइए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।